वेलकम टू सी आई इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपने देखा था हमारा चैप्टर नंबर 3 फिनिश्ड हो चुका था। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की मैंने डेफिनेशन बताई थी पिछले लेसन में, क्या था? इट इज़ अ सम टोटल ऑफ, ठीक है, क्या था नेशनल इनकम? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर। ये थी हमारी नेशनल इनकम। अब इस लेसन में हम आपको बताएंगे कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसे कैलकुलेट करने के तीन अलग अलग मेथड कौन कौन से हैं। देखिए, हमने छुट्टियों से पहले जून में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपने क्या बताया था भाई? प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स को हाउस होल्ड की आवश्यकता पड़ती है, हाउस होल्ड को प्रोड्यूसर की आवश्यकता पड़ती है। प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करते हैं? बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। हाउस होल्ड इन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये रियल फ्लो था इनके बीच। फिर इनके बीच रियल फ्लो के बाद एक मनी फ्लो भी आया था भाई। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये प्रोवाइड कराते हैं, इसके बदले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस ये पे होता है। ये इन्हें गुड्स एंड सर्विसेज देता है, ये पेमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करते हैं। तो इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ने आपको बताया था कि ठीक है कि भाई हम नेशनल इनकम को तीन तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहला तरीका कौन सा था? वैल्यू एडेड। ठीक है, वैल्यू एडेड बाय द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज। ठीक है, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन से क्या होता था? जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम जनरेट होते थे। और जब लोग इनकम कमाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर, खर्च भी करते हैं। सो एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इन्हीं तीनों कंसेप्ट पर ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपका पूरा का पूरा बेस था। तो इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ने आपको बता दिया था कि इस तरह से आप करते क्या हो, बेसिकली तीन मेथड निकल आते हैं आपके नेशनल इनकम के। वैल्यू एडेड मेथड, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, वैल्यू एडिशन से क्या होता है? इनकम का जनरेशन होता है, इनकम जनरेट होती है, और इनकम से क्या होता है? एक्सपेंडिचर। तो तीन मेथड होते हैं आपके नेशनल इनकम के, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। आज हम देखते हैं वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है। तो आपका वैल्यू एडेड मेथड कहता है कि नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है, ये आपसे कहता है कि नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द वैल्यू एडिशन, द वैल्यू एडिशन ऑफ Each producing enterprise, ठीक है। तो भाई जितने भी producing enterprise होते हैं उन सब की value addition को आप add कर दो, आपके पास value added method से national income निकल आएगी। ठीक है, value each producing enterprise। अब अगर आपको ध्यान हो तो producing enterprise कितने तरह के होते थे? तीन तरह के ये basically होते थे। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी एंटरप्राइज, जिसमें क्या आती है? एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, ये सब आता है। सेकंड क्या था? मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज होते थे, जिसमें हम सेकेंडरी भी कहते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, जिसमें क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। थर्ड क्या होता था आपका? टर्शरी, जिसमें सर्विसेज आती हैं, जैसे टीचिंग सर्विसेज है, अकाउंटिंग सर्विसेज है। तो इन तीनों सेक्टर की वैल्यू एडिशन को जब हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, तीनों सेक्टर की वैल्यू एडिशन को जब हम ऐड कर देते हैं तो इससे हमारा क्या आ जाता है? नेशनल इनकम निकल आएगा। और जब इन तीनों चीज़ों को हम ऐड कर देंगे, देखिए इन तीनों चीज़ों को अब हम ऐड कर देते हैं तो ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है जीडीपी के। कौन सी जीडीपी? इस जीडीपी के, देखिए जीडीपी एट एमपी। सबसे पहले वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड बाय टर्शरी या सर्विस सेक्टर। तो जब हम इन तीनों सेक्टर की वैल्यू एडिशन को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जीडीपी एट एमपी आ जाता है। नेशनल इनकम के लिए हमें क्या चाहिए? एनडीपी एट एफसी, ये हमें चाहिए। ये हम कन्वर्ट करना अभी आपको सिखाएंगे, उसकी कोई अभी खास जरूरत नहीं है। फिलहाल आप कंसेप्ट देखिए, ठीक है, तो आपको पता लग गया भाई वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, इसके तीन नाम है, देखिए वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड या नेट आउटपुट मेथड भी है इसका अगला नाम।
नेट आउटपुट मेथड, चार नाम है इस अकेले मेथड के, वैल्यू एडिशन मेथड। तो नेशनल इनकम वैल्यू एडिशन मेथड से कैसे निकाली जाती है, तो नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड बाय वैल्यू बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज। तीन तरह के एंटरप्राइज होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इन तीनों की वैल्यू को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, GDP एट MP। तो वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर, वैल्यू एडेड बाय टर्शरी सेक्टर, किसके इक्वल होता है आपका, GDP एट MP के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये वैल्यू एडेड कैसे निकलते हैं एक बार इसे देखिएगा आप। ठीक है, वैल्यू एडेड कैसे निकलते हैं इसे हम एक बार आपको बताते हैं। पहले इसे हम रफ कर देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि वैल्यू एडेड कैसे निकाली जाएगी। वेरी केयरफुली देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। 6 नंबर का आता है क्वेश्चन यहाँ से, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि भाई वैल्यू एडेड मेथड क्या करना पड़ता है, वैल्यू एडेड मेथड में भाई हमें GDP एट MP निकालनी पड़ती है। कैसे भाई, वैल्यू एडिशन बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडिशन बाय सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडिशन बाय टर्शियरी सेक्टर। अब क्वेश्चन आता है भाई वैल्यू एडेड कैसे निकलती है, वैल्यू एडेड कैसे निकलती है। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट गुड्स याद आया कुछ, इंटरमीडिएट गुड्स मध्यवर्ती वस्तुएं, ठीक है, विच आर नॉट रेडी फॉर यूज, जिसमें अभी कोई ना कोई वैल्यू एडिशन होनी बाकी है जो रीसेल पर्पस के लिए होगा, ठीक है, जिसे कंज्यूमर यूज नहीं करते, इंटरमीडिएट गुड्स वो होते थे। ठीक है, तो वैल्यू एडेड कैसे निकाली जाएगी, वेरी केयरफुली ध्यान दीजिएगा, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ऐसे निकाली जाएगी। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके इक्वल होती है देखिए एक बार, इज इक्वल टू होती है सेल्स इफ एंटायर स्टॉक इज सोल्ड आउट। अगर जितना भी माल हमारे पास रखा हुआ था गोदाम के अंदर सारा का सारा बिक जाता है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स के इक्वल है, यानी जो सेल आपने की, जो माल आपने बेचा, वो किसके इक्वल है, वैल्यू ऑफ आउटपुट के, अगर पूरा का पूरा मटेरियल बिक जाता है तो। अब कहोगे अगर पूरा का पूरा मटेरियल नहीं बिका तो फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके इक्वल होगी, तो भाई फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट इसके इक्वल होगी, देखिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। देखो स्टॉक बच गया तो फिर वो वैल्यू एडेड किसके इक्वल हो जाएगी, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकाला जाता है देखिएगा, चेंज इन स्टॉक निकाला जाता है इन इकोनॉमिक्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, जो साल के एंड में था वो क्लोजिंग स्टॉक था, जो साल के शुरुआत में था वो ओपनिंग स्टॉक था, क्लोजिंग में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, सेल्स में प्लस चेंज इन स्टॉक कर दीजिए वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। तो आपने देखा वैल्यू ऑफ आउटपुट दो तरीके से निकाली जाती है। ठीक है, ये सेल्स के इक्वल होती है अगर सारा माल बिक चुका है तो, ठीक है, अगर सारा माल नहीं बिका तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे हम, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इस तरह से आपका चेंज इन स्टॉक निकल जाएगा। अब आइए इंटरमीडिएट कंजप्शन पर, ये इंटरमीडिएट कॉस्ट पर। ठीक है, देखिए किसी प्रोड्यूसर की दो तरह की कॉस्ट लगती है, फैक्टर कॉस्ट एंड नॉन फैक्टर कॉस्ट। तो जो इंटरमीडिएट कंजप्शन होती है ना, ये नॉन फैक्टर कॉस्ट के इक्वल होती है, नॉन फैक्टर कॉस्ट। आई होप फैक्टर कॉस्ट आपको पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बदले पे किया गया फैक्टर कॉस्ट होती है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउट इंटरमीडिएट कंजप्शन किसके इक्वल हो गई, नॉन फैक्टर कॉस्ट के इक्वल हो गई। और इसमें जनरली क्या आता है आपका, रॉ मटेरियल आता है, कच्चा माल जो आप बेचते हो ना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल किसके इक्वल होती है, परचेज के इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, परचेज की इक्वल होती है। तो आप देखिए मैंने शुरू किया वैल्यू एडेड मेथड से, हम क्या निकालते हैं, नेशनल इनकम। आपको GDP एट MP मिल जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर की वैल्यू को आप ऐड करोगे। ठीक है, अब कहोगे वैल्यू एडेड कैसे निकलता है भाई, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आएगा, सेल्स के इक्वल होता है, कब, जब पारस पूरा सारा का सारा माल बिक जाए,
सारा का सारा माल नहीं बिका तो वैल्यू ऑफ आउटपुट किसकी इक्वल हो जाएगा, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। और ये जो इंटरमीडिएट कॉस्ट थी ये किसके इक्वल होती है, नॉन फैक्टर कॉस्ट के इक्वल। फैक्टर कॉस्ट मैंने बताया लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप होता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इनको अगर मैं हटा दूं, इनके अलावा कोई और मैंने खर्चा किया है तो वो नॉन फैक्टर कॉस्ट आएगी, और जिसमें रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल को हम क्या कहते हैं, परचेस, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास आने वाला है वैल्यू एडेड का, मैंने यहां तक आपको बता दिया, अब यहां से आप खुद ही देखिएगा वैल्यू एडेड का मेथड, ठीक है। एक पूरी इक्वेशन ये बन जाएगी वैल्यू एडेड। तो अब देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके इक्वल थी, सेल्स के। जनरली ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक बचता ही है, ऐसा बहुत कम होता है सारा मटेरियल आपका बच गया। तो चेंजिंग स्टॉक की जगह, ठीक है, चेंजिंग स्टॉक की जगह मैं क्या लिख दूंगा यहां पर, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ये तो हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट कि भाई सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट करनी है, जो रॉ मटेरियल होता है, जिसे मैंने किसके इक्वल बताया, परचेज के। तो माइनस मैं कर देता हूं परचेज, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आप जरूर लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो वैल्यू एडिशन आपको निकालने के बहुत काम आएगा। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेज, माइनस परचेज, ठीक है। तो ये था आपका वैल्यू एडेड। स्टूडेंट्स एक बार देखिए, मैंने वैल्यू एडेड मेथड आपको बताया, उसके एक बार टेबल देख लेते हैं, एस्टिमेटिंग द वैल्यू एडिशन कैसे निकाली जाती है, देखिए एक बार। तो हम देख रहे हैं एस्टिमेटिंग द वैल्यू एडेड, ठीक है। मैंने देखिए क्या लिखा, सबसे पहले प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वैल्यू एडिशन कैसे निकाली जाती है, जब तीनों सेक्टर जो होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, तीनों की वैल्यू एडिशन को हम ऐड कर दें तो वैल्यू एडेड के इक्वल मानी जाती है। तो मैंने यहाँ ले लिया सबसे पहले फार्मर। फार्मर क्या करता है, वीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वीट प्रोड्यूस करता है। मान लो उसकी इंटरमीडिएट कंजप्शन 200 है, यानी कि उसने जो परचेस किया वो 200 रुपए का किया। अब इस परचेस के अंदर, ठीक है, क्या क्या आएगा, आपका फर्टिलाइजर्स आपके आ जाएंगे, बेसिकली आपने जो सीड्स खरीदे, जो बीज खरीदे होंगे गेहूं के लिए, वो इसके अंदर भी शायद आ जाएंगे। इरिगेशन, सिंचाई वगैरह आपने कुछ किया तो उसके अंदर, तो हमने मान लिया 200 रुपए का उसका इनपुट लगा है, ये इनपुट भी मान लीजिए और ये आउटपुट है, ये इंटरमीडिएट कंजप्शन परचेस के इक्वल होती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स के इक्वल होती है। तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट बुक में दे रखा है, इसे आप सेल लिख लेना, ज्यादा अच्छे समझ आएगा, और जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है वो परचेस लिख लेना और अच्छे समझ आएगा। और ये वैल्यू एडेड है, सेल माइनस परचेस या फिर आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो मैंने मान लिया 200 का उसने वीट वगैरह सब मिला के खरीद लिया। अब मान लीजिए 200 का उसने लगा के खरीदा और उसकी जो फसल तैयार हुई, जो गेहूं तैयार हुआ, वो उसने 600 रुपए में बेच दिया, ठीक है, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल के इक्वल है और ये परचेस है। तो 200 का खरीद के 600 में बेच दिया, उसने कितने का वैल्यू एडिशन किया, 400 रुपए का, कितने का किया, 400 का। अब बारी आपके फ्लोर मिल की, यानी जो आटे की चक्कियां होती है उसकी, चक्की वाले करते क्या है, फार्मर से, किसानों से गेहूं खरीद लेते हैं, उसका आटा बनाते हैं और फिर आगे बेचते हैं। तो बेसिकली जब इसने वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसने सेल 600 की होगी तो फ्लोर मिल्स ने क्या की होगी, 600 की परचेस। भाई आटे के चक्के वाले ने 600 का माल खरीदा, वो उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी परचेज है, उसके लिए क्या है, ये परचेज है उसके लिए। 600 में उसने खरीदा, उसे कन्वर्ट किया इंटू फ्लोर, आटे के रूप में उसे कन्वर्ट कर दिया, आटा बना दिया उसका, और 600 का आटा उसने बेच दिया कितने में, 800 में, किसने बेच दिया, 800 में। अच्छा, ये फार्मर आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है, फ्लोर मिल सेकेंडरी सेक्टर में आपकी आती है। 600 खरीद के 800 में बेच दिया, कितने का वैल्यू एडिशन किया, 200 रुपए का, सेल माइनस परचेज, अगेन दिस इज परचेज दिस इज सेल। तो इसने 800 में बेचा होगा। बेकर, बेकरी वाले करते क्या है, आटा वगैरह खरीद के उसके ब्रेड बनाते हैं, उसके टोस्ट बनाते हैं, ठीक है, पेटीज वगैरह उनसे बनाते हैं, मैदा वगैरह निकाल के, तो बहुत सारा काम करते हैं बेकर वाले। तो बेकर भी आपका सेकेंडरी सर्विसेज के अंदर आता है, ठीक है, सेकेंडरी एंटरप्राइज है ये, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज कहलाता है। तो अब इस बेकर ने 800 रुपए का आटा खरीदा होगा किससे, फ्लोर मिल वाले से, ठीक है, इससे 800 का आटा खरीदा होगा, रस ब्रेड कुछ भी उसने बनाया, कितने का बेच देगा वो, 1000 के अंदर। उसने कितने का वैल्यू एडिशन किया, अगेन 200 का, कितने का वैल्यू एडिशन किया, 200 रुपए का किया। अब आ जाइए शॉपकीपर, जो हमारे आसपास रिटेलर होते हैं, वो क्या करेगा, बेसिकली 1000 का उसे खरीदेगा, और 1000 का खरीदने के बाद आगे कंज्यूमर को, फाइनल कंज्यूमर्स को, किनको, फाइनल कंज्यूमर्स को कितने में बेच देगा, 1200 में बेच देगा। इसने कितने का वैल्यू एडिशन किया, 200 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, ठीक है। अब ये देखिए,
400 किसने वैल्यू एडिशन किया था, फार्मर ने, 200 फ्लोर मिल, 200 बेकर, 200 शॉपकीपर, टोटल कितना हो गया, 1000 रुपए का वैल्यू एडिशन हो गया। यहाँ देखिए टोटल परचेस कितने की है, 1400, 2400, 1200, 3600 की पड़ती है ये, ठीक है। 3600 में यहाँ देखिए कितने की पड़ रही है, ये पड़ रही है आपकी 2600 की, ठीक है। तो देख लीजिए, आउटपुट माइनस इनपुट इज इक्वल टू वैल्यू एडिशन। ईच एंटरप्राइज प्राइमरी सेकेंडरी सेकेंडरी टर्शरी इन सब का जो वैल्यू एडिशन आया वो कितना आया, 1000। तो जो हमारी नेशनल इनकम है वो किसकी इक्वल हो गई, 1000 के इक्वल आपकी हो जाती है, ठीक है। और ये जो आती है ये किसके इक्वल मानती हैं हम, GDP एट MP के इक्वल इसे माना जाता है, ठीक है। GDP एट MP हमारे सामने आई, तो ये टेबल मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि वैल्यू एडिशन कैसे निकालते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि वैल्यू एडिट का मेथड क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। आउटपुट किसके इक्वल होती है, सेल के, अगर सब कुछ बिक जाए तो, ठीक है। और यहाँ पर हमने सब कुछ बिका ही माना है, स्टॉक नहीं माना, तो इसलिए आउटपुट सेल्स के इक्वल है। और जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है वो किसके इक्वल है, परचेज के इक्वल है। सेल में से परचेज माइनस कर दीजिए, वैल्यू एडिड आ जाएगा। फार्मर ने 200 का खरीद के 600 में बेचा, 400 की वैल्यू एडिशन। फ्लोर मिल ने 600 का खरीदा फार्मर से, 800 का बेचा, 200 की वैल्यू एडिशन। बेकर ने 800 का खरीदा, 1000 का बेचा, 200 की वैल्यू एडिशन। और शॉपकीपर ने 1000 का खरीदा और 1200 को बेच के 200 का वैल्यू एडिशन, यानी 1000 आपका वैल्यू एडिड मेथड से नेशनल इनकम निकल आती है। अब देखिए नेशनल इनकम के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ठीक है, हमें चाहिए होता है NDP एट FC और हमारे पास आया है GDP एट MP। तो अब मैं आपको कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ, वेरी केयरफुली देखिएगा, कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ GDP एट MP को NDP एट FC में, ठीक है। GDP एट MP को NDP एट FC में कन्वर्ट हम करेंगे, क्योंकि नेशनल इनकम का प्रतीक क्या होता है, NDP एट FC क्या होता है। फिर से मैं लिख देता हूँ, नेशनल इनकम किसके इक्वल होती है, NDP एट FC सेक्टर कॉस्ट है। लेकिन जो हमारे पास अभी आया, प्राइमरी सेक्टर की वैल्यू को जोड़कर, सेकेंडरी की वैल्यू को जोड़कर और टर्शरी को जोड़कर, वो क्या आया था, GDP एट MP। इसे अब एक एक करके ऐसा बनाना है, पहला ये जी है ग्रोस और ये है नेट, दोनों में डिफरेंस क्या था, डेप्रिसिएशन मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो इस जी को अगर मुझे एन में बनाना है, यानी मैं यहाँ लिख दूँ NDP एट MP, तो मुझे GDP एट MP में से सबसे पहले क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है। देखिए मुझे चाहिए NDP एट FC और मेरे पास है NDP एट MP, यानी ये तीनों सेम है, बस MP और FC का फर्क है। FC फैक्टर कॉस्ट, MP मार्केट कॉस्ट। कल हमने बताया था मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट रियल लागत, एक्चुअल लागत होती है, और MP मार्केट प्राइस होता है। तो देखिए NDP एट MP आ चुका है, NDP एट FC चाहिए, मार्केट प्राइस है और फैक्टर प्राइस चाहिए। हमने क्या किया था, ठीक है, आपको ध्यान हो तो हमने क्या किया था, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फैक्टर कॉस्ट में, देखिए मान लीजिए GDP एट FC फैक्टर कॉस्ट था, मुझे MP में चाहिए था, ठीक है। तो मुझे क्या करना था, GDP एट FC को, ठीक है, GDP एट FC में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैं ऐड कर दूं, ठीक है, टैक्सेस को ऐड कर दूं, तो एक्चुअल कॉस्ट में टैक्स जुड़ जाएंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, MP के, ठीक है। लेकिन अब मुझे करना क्या है, उल्टा, MP से FC में जाना है, MP से FC में जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए NDP एट FC फैक्टर कॉस्ट मुझे चाहिए, यानी एक्चुअल लागत, जबकि मार्केट प्राइस में टैक्सेस ऐड हो चुके होते हैं। तो कैसे निकलेगा, NDP एट MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर मैं इनमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दूं, तो मार्केट प्राइस में से टैक्सेस चले गए, एक्चुअल प्राइस बच गया। अच्छा एक बार ये देखिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किसके इक्वल होता था, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता था किसके इक्वल, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज के इक्वल होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि GST और सब्सिडीज तो आपको पता ही है। तो जो वैल्यू एडेड मेथड से आपके पास GDP एट MP आती है, उसे आपको अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, NNP एट FC में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, NNP एट FC में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आपके पास अभी NDP एट FC आया है, अब मुझे क्या चाहिए, NNP एट FC, मेरे पास NDP एट FC रखा हुआ है,
ठीक है, मुझे डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। कल मैंने बताया था ये क्या था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। हम जो बाहर से कमा के लाए हैं और जो लोग यहाँ से कमा कर ले गए हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड होता है। तो ये डी था डोमेस्टिक, इसमें एन एफ आई ए द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड कर दीजिए। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास, एन एन पी एट एफ सी आ जाएगा, एन एन पी एट एफ सी आ जाए गा। ठीक है, तो ये होता है आपका नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम किसके इक्वल होता है, एन एन पी एट एफ सी के इक्वल होता है, एन एन पी एट एफ सी के इक्वल होता है, एन एन पी एट एफ सी।